ठीक है। अब प्री पोजिशन में हमने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं उसको पहले हम डायरेक्ट कर लेंगे, फिर हमने एक एक करके बता दूंगा कि किस तरह यूज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि द बॉक्स इज डैश द टेबल, दैट मीन्स कि बॉक्स कहाँ है, ऑन द टेबल होगा। ठीक है, दूसरा तुमने करके दिया द कैट इज अंडर द टेबल, थर्ड किया हमने द फ्रूट आर इन द बास्केट, चौथा किया हमने द बॉय इज बिहाइंड द ट्री, द गर्ल इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कंप्यूटर टेबल, दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, शीप आर जंपिंग ओवर द फैन। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली। अब ये जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो कैसे यूज हो रही हैं इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, ऑन कब कब यूज होता है तुम्हें मैंने बताया, ऑन कब कब यूज होगा, जब कोई चीज किसके जब देखो देख के बताओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई चीज किसके सरफेस से, हाँ सरफेस पे रखी हुई होती है, स्टैंडिंग होती है। तो जैसे आपके पास ये वाला था द बॉक्स इज डैश द टेबल, का मतलब क्या है कि बॉक्स कहाँ रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या यूज हो जाएगा हमारे पास, सरफेस यूज हो जाएगा। ठीक है, सरफेस। अच्छा इन कब यूज होता है, जब कोई इनसाइट की बात करेंगे, ये तो मैं आसानी से पता चल गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे इनका क्या था, फ्रूट्स आर डैश द बास्केट, तो फ्रूट्स कहाँ के कहाँ पे होते हैं हमारे पास, फ्रूट्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं, फ्रूट्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं, फ्रूट्स इन द बास्केट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अंडर, अंडर कब यूज करेंगे, जब कोई चीज अंदर की तरफ होगी, ब्लो होगी। ठीक है, जैसे कोई आपके पास एक पिक्चर बनी हुई आ रही है जिसमें कैट नीचे की तरफ ऐसे छुपी हुई है, तो उसमें क्या लिखोगे आप, अंडर लिख देंगे आप, यानी कि अगर ब्लो कोई चीज है तो उसके लिए यूज क्या करेंगे हम लोग, अंडर यूज करेंगे। तो ब्लो यहाँ पे हमारे पास कौन सा वाला आया था सेंटेंस, अंडर वाला सेंटेंस ये वाला था, द कैट इज डैश द टेबल, तो कैट कहाँ बैठी हुई थी, अंडर द टेबल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू हम कब यूज करते हैं, पॉइंट आउट पोजिशन राइट बिसाइड द समथिंग, यानी कि जैसे बराबर में कोई चीज है किसी के, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेक्स्ट टू कहते हैं। तो नेक्स्ट टू में क्या था कि यहाँ पे एक वो थी, द गर्ल इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कंप्यूटर टेबल, यानी कंप्यूटर टेबल के साथ कौन खड़ी हुई है, गर्ल खड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, इसके बाद था बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या है, जो कि बैक साइड पे होता है, पीछे की तरफ होता है। ठीक है, तो बिहाइंड की एग्जाम्पल हमने क्या दी, द बॉय इज बिहाइंड द ट्री। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारा क्या था, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का भी मैंने बता दिया, इन फ्रंट का मतलब है अहेड, आगे की तरफ अगर है। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ का क्या बताया था, द बॉय दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के आगे खड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या था, ओवर, ओवर का मतलब क्या है, अपवर्ड, कोई चीज आगे की तरफ होती है, तो उसमें हमने क्या बनाया था, शीप आर जंप डैश द फैन। ठीक है, शिप्स, ठीक है, शिप्स, ठीक है, तो ये ठीक है। अच्छा अब मैंने तुम्हें एक ये दिए, एक एक्सरसाइज दिए, इसको जल्दी से करो और खुद से करो और बताओ कैसे करेंगे। तो पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या है, क्या लिखा हुआ है, रैबिट हाँ, देयर इज अ रैबिट डैश द पिक्चर। अब इसमें ऑन आएगा या इन आएगा, अब जरा डेफिनेशंस पे आ जाओ, ऑन कब लगाते हैं हम, जब सरफेस की बात होती है, और इन कब लगाते हैं, जब इनसाइड की बात होती है। ठीक है, तो पिक्चर के ऊपर है टेबल या पिक्चर के अंदर है टेबल, तो क्या आएगा, ऑन आएगा इन आएगा, पिक्चर पिक्चर के अंदर है ना, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सही से पढ़ो, देयर इज अ रैबिट डैश द पिक्चर, यानी कि पिक्चर के इनसाइड है, तो इनसाइड इनसाइड में हम क्या यूज करते हैं, इन इन, तो लिखो क्या लिखेंगे हम, शाबाश शाबाश। दूसरा पढ़ो, बॉय इज स्टैंडिंग डैश द चेयर, हाँ तो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग क्या होता है, ऑन हो जाएगा, वेरी गुड। तीसरा पढ़ो क्या है, रिया, रिया डैश द रूम रूम के ऊपर तो नहीं चढ़ेगी, रूम के अंदर होगी ना, तो क्या इन। लिखेंगे, शाबाश।
नेक्स्ट द पेंसिल इज डैश हर हैंड इन ऑन ऊपर थोड़ी होगी पेंसिल वेरी गुड टॉम इज हाइडिंग डैश द बॉक्स टॉम छुप रहा है कहाँ पर किसके पीछे छुप रहा है बॉक्स के पीछे छुप रहा है तो बिहाइंड नेक्स्ट क्या है आई हैव ऑन मनी मनी डैश माय पर्स 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 के अंदर मनी होगी या पर्स के ऊपर मनी होगी अंदर इन आएगा शाबाश तो तुमने ठीक है स्टैंडिंग डैश द फ्लोर तो कहाँ होगा इन होगा या ऑन होगा फ्लोर के ऊपर है या फ्लोर के अंदर है फ्लोर के ऊपर तो इन आएगा कि ऑन आएगा ऑन शाबाश नेक्स्ट वी लिव डैश द टेंथ फ्लोर तो ऑन आएगा या इन आएगा ऑन आएगा इन इन आएगा टेंथ फ्लोर के ऊपर थोड़ी टेंथ फ्लोर के अंदर यानी कि टेंथ फ्लोर के उसमें रहती है ना नेक्स्ट सेट द मैट्स डैश द टेबल मैट होते हैं ना टेबल के ऊपर तो टेबल के ऊपर होते हैं ना तो क्या हो जाएगा ऑन नेक्स्ट क्या है An old lady is standing dash the sitting tree. sitting dash the tree. Under होगा या behind होगा? Tree के नीचे बैठेगी. हाँ tree के नीचे बैठेगी ना तो क्या होगा? Behind थोड़ी tree के पीछे थोड़ी. हाँ तो क्या होगा? अरे जबरदस्त very nice very good ठीक है बेटे तो तुम्हें समझ में आ गया अच्छी तरीके से सही है तो बस इसको अच्छी प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारे प्रीपोजिशंस पक्की हो जाएं क्योंकि जो टेस्ट है उसमें ये आने वाली है ठीक है ओके